अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे आई एम बैक विद अनदर रेसिपी एंड यू आर वाचिंग सकी किचन। आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल ड्राई चिकन पेपर की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये रेसिपी ट्राई करना तो बनता है, इसके लिए आपने एंड तक वीडियो लाजमी देखनी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलें आए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे चिकन बोनलेस 300 ग्राम और इसकी इस तरह स्क्वायर शेप में कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक भी नमक आप डाल सकते हैं। कॉर्नफ्लोर यहाँ डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून और काली मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। मैदे का आटा यहाँ पर डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून। अच्छा, यहाँ पे मैंने पहले 1 टेबल स्पून मैदे का आटा डाला है, मगर उसके बाद जब मैंने मिक्स किया था तो वो मुझे ज़्यादा थिक नहीं लगा था, इसलिए मैंने और भी 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिए थे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे सिरका 1/2 टेबल स्पून, एक अदद अंडा और 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर मिल्क डालकर इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको मिक्सचर थोड़ा वाटरी लगे तो आपने भी यही करना है कि मैदे का आटा इसमें और ऐड कर लेंगे, तो इससे ये होगा आपका जो मिक्सचर है वो थोड़ा थिक बनेगा। इसके बाद हम इसे कवर करके मैरिनेट करने के लिए रखेंगे 1 से 2 घंटे तक। 1 से 2 घंटे के बाद हमने यहाँ पे लेना है ऑयल और इसे कर लेना है गरम। जब गरम हो जाए तो हम यहाँ पे चिकन फ्राई कर लेंगे जो हमने मैरिनेट करने के लिए रखी थी। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चिकन को फ्राई करना है कि जब तक चिकन गोल्डन ब्राउन हो जाए। देखिए यहाँ पर चिकन का परफेक्ट कलर आ चुका है, तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इसी तरह हमने सारी चिकन को फ्राई कर लेना है। दो तीन स्टेप में आपकी यहाँ पर सारी चिकन फ्राई हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हम लेंगे एक पॉट, उसमें डालेंगे ऑयल 1 से 2 टेबल स्पून। तिल के बीज यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इन्हें हम थोड़ा फ्राई करेंगे, सोते कर लेंगे। सोते करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे प्याज, तकरीबन 1 दरमियानी प्याज, इस तरह स्क्वायर शेप में कट करके हम ऐड करेंगे। इसी तरह 1 दरमियानी शिमला मिर्च हम कट करके इसमें डाल देंगे। छोटी हरी मिर्चें 2 से 3 अदद ऐड कर लेंगे। इन्हें हम कर लेंगे सोते। तकरीबन हमने यहाँ पर इसे फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक दरमियानी आँच पर। अब यहाँ पर जाएगा सोया सॉस 2 टेबल स्पून, नमक यहाँ पर जाएगा 1/2 टीस्पून और काली मिर्च पाउडर यहाँ पर जाएगी 1 टीस्पून। अब यहाँ पर हम वेजिटेबल्स को पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक दरमियानी आंच पर और स्टिर साथ में करते रहेंगे। चिली गार्लिक सॉस या सराचा सॉस हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे इन्हें। अब जो हमने चिकन फ्राई की थी वो हम इसमें डाल देंगे और इन्हें कर लेंगे मिक्स। 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। कॉर्नफ्लोर स्लरी यहाँ पर हम डाल देंगे। 1 से 2 टेबल स्पून आपने कॉर्नफ्लोर लेना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मिक्स करके चिकन में डाल देंगे और इन्हें कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने यहाँ पे करना है फ्लेम ऑफ और गर्मा गर्म करना है हमने ड्राई चिकन पेपर को सर्व। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इजी चिकन रेसिपी फुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैंने आपके साथ शेयर की है। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।